यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये 5-10 साल से कभी इन्होंने क्वचित देखा है, पूरी जान पहचान में नहीं। तो देहात के ये युवक है तो ये बोले वो ये पोस्टर क्या है, तो मैंने इनको समझाया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पुणे लेवल पे बड़े अच्छे कार्यक्रम बनाती है कि भाई बच्चों को लॉकडाउन में टेंशन मुक्त होना चाहिए, माता पिता ने उनके साथ 2 टाइम ध्यान करना चाहिए। हमारे राज्य में आनंदी गांव, हिवरे बाजार, पाटोदा, ये विचार आने चाहिए। वो एकदम आज ही नहीं आएंगे, उसको टाइम लगेगा, लेकिन इन विचारों का आज महालक्ष्मी के इस शुभ अवसर पर, मुझे तो डर था कि ये लोग बोलेंगे भाई ये तो महालक्ष्मी का कार्यक्रम नहीं, इन्होंने इस कार्यक्रम को अपनाया। और मैं कौन इसके बारे में बोलना चाहता, हाथ ऊपर करे। हाँ, तुम्हें मराठी क्यों हिंदी में बोल सकता। सर ने हमें ये बताया जो उपक्रम चालू है महाराष्ट्र शासन की ओर से, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। और सर ने हमें जानकारी दी कि हमारे बच्चे है, सभी है, हमारे बच्चों के लिए कार्यक्रम है जो ये अच्छा है। सर ने हमें बताया कि ये कार्यक्रम करने से बच्चों का ध्यान बढ़ता है और उनको शिक्षण में बहुत बड़ा अच्छा विचार मिलता है। तो क्या तुम वाड़ी और तेलहरा में सभी स्कूलों में जाकर इसको हेडमास्टर को बताएंगे? जी हाँ सर, हम हमारे गांव के ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति, तहसील नहीं तबकि कलेक्टर ऑफिस जाके ये सबको बता देंगे कि ये अच्छा उपक्रम है, हमारे बच्चों के लिए ये जरूर होना चाहिए। और कोई बोलना चाहता हाथ ऊपर करो। ठीक है ठीक है। तो देखा क्या लोगों, हमारी जनता जो है बड़ी पॉजिटिव है, इनको कोई राजकारण नहीं होना, कोई ये कारण नहीं होना। हमें सुधार के कौन से रास्ते हैं वे तुरंत अपनाना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अकोला जिला जो है उसमें के हर बच्चे को, इसमें करीबन 6 लाख बच्चे होंगे अकोला जिले में, हमारे तेलहरा तालुका में करीबन 30,000 बच्चे होंगे जो 5वीं से 12वीं तक पढ़ते हैं। तो उनको हमें इस विद्या से परिचित करवाना है। जब तुम्हारे मन में ये साधना रहेंगी तो ये जिलाधिकारी के, तहसीलदार के और जो स्कूल के ट्रस्टी है उनके मन में आएगी और तभी ये बच्चों में आएंगी। तो हमारे भारत की 6 लाख ग्राम पंचायत है, तो जब हम 6 लाख ग्राम पंचायत तक इस मैसेज को देंगे ज़रूर एक अच्छा वातावरण निर्माण होगा, हमारे बच्चे टेंशनलेस हो जाएंगे। और 2 महीना पहले हमने जो अनहोनी सुनी थी कि भाई कोई लड़का अफसर बन रहा था, वो निराश होकर बेचारा क्या होगा आप लोगों को मालूम है, मैं इस क्लिप में नहीं बताना चाहता। तो इसी के साथ मैं इस क्लिप को समाप्त करता हूँ। हमारे ग्रामीण युवक आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को ऊपर उठाएंगे। मैं जब इस देहात में था तो रात रात भर साइकिल चलाता था और इंदिरा गांधी के भाषण बोलता था जोर जोर से। लोग कहते सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। मैं कहती हूँ सरकार कौन है? क्या सरकार अमेरिका जापान से लाए हुए लोग हैं? वे हमारे लोग हैं। जब हम हमारा कर्तव्य को सही तरह से समझेंगे, हमारी जिम्मेदारियों को सही तरह से समझेंगे, तो ये सरकारी लोग हमें अपना न्याय देंगे। इसी के साथ एक क्लिप मैं समाप्त करता हूँ।